नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी मैप पर स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर से हाजिर हूँ सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। शशि बाला ने भाजपा में की वापसी। पूर्व विधायक शशि बाला पुंडी ने भाजपा में एक बार फिर से वापसी कर ली है। हापुड़ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने भाजपा में शामिल कर उन्हें सदस्यता दिलाई। शशि बाला पुंडी ने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए पूरे जनपद सहारनपुर में एक बार फिर से वे काम करेंगे। 15 फरवरी तक कर सकते हैं हज को आवेदन। कोरोना के चलते आजमीन ए हज यात्री द्वारा इस वर्ष कम संख्या में हज फॉर्म भरने जाने के चलते हज कमेटी ने आवेदन तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसके चलते अब हज पर जाने वाले यात्रियों द्वारा 15 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का 5 फरवरी को सहारनपुर में आगमन। बसपा सुप्रीमो मायावती 5 फरवरी को सहारनपुर में आएगी। नागल रोड पर टपरी के मैदान में जनसभा को संबोधित करेगी। मायावती के साथ पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और आकाश आनंद भी आएंगे। मायावती के आगमन को लेकर बसपाई तैयारियों में जुट चुके हैं और सभा स्थल पर 2 मंच भी बनाए जाएंगे। सहारनपुर नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी ने रायवाला मार्केट में किया व्यापारियों से जनसंपर्क। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पहला मतदान 10 फरवरी को होगा। वहीं दूसरे चरण में सहारनपुर में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज भाजपा प्रत्याशी राजीव गुंबर ने रायवाला मार्केट में व्यापारियों से जनसंपर्क साधा और कमल चिन्ह पर वोट का बटन दबाकर जिताने की एक बार फिर से अपील की। भारी बारिश के चलते भी एसएसपी आकाश तोमर पहुंचे थाना सदर बाजार, किया आकस्मिक निरीक्षण। सहारनपुर एसएसपी आकाश तोमर ने थाना देवबंद नागल का आकस्मिक निरीक्षण किया और इस दौरान थाना प्रभारियों को अवैध शराब की रोकथाम वे लंबित पड़ी विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु उपनिरीक्षकों को आदेशित किया। चुनाव से पहले भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब सहित अभियुक्त हुए गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव 2022 के तहत सहारनपुर एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशानुसार जनपद में अवैध हथियारों, अवैध शराब, अवैध नशीले पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नक्कुड़ पुलिस ने गश्त के दौरान अभियुक्त इंद्राज उर्फ इंद्रा को 110 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा। सुबह हुई बारिश, फिर शाम को बना रहा बारिश जैसा माहौल, ठंड भी बढ़ी, जीवन हुआ अस्त व्यस्त। बारिश और तेज हवा चलने से बिजली की आंख मिचोली जारी रही। बार बार बिजली जाने से लोगों को खासी परेशानियां भी हुई। वहीं आपको बता दें कि पूरे दिन तेज हवा चलने से एक बार फिर से जनपद में सर्दी बढ़ गई है। लोग सड़कों पर अलावा जलाते हुए नजर आए। मोहल्ला कोटला निवासियों ने नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी पर समस्या को न सुनने का लगाया आरोप। हम्बेटा नगर पंचायत द्वारा कस्बे के मोहल्ला कोटला के तालाब से गंदी पानी की निकासी के लिए इस्लाम नगर रोड पर पाइपलाइन डाली जा रही है, जिससे कस्बे वासी व दुकानदार परेशान है। देखिए उन्होंने आरोप लगाते हुए क्या कहा, सुनिए। ये जो नगर पंचायत द्वारा बड़ी जो यहाँ पे है ना तालाब, बड़ा तालाब है नगर पंचायत के सामने, वहाँ से एक पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा था, जिसको पैसा खाने के लिए बीच में ही रोक दिया गया। और जबकि पानी 8 इंची पाइप का पानी ला के छोड़ा जा रहा है और उसकी आगे कहीं निकासी नहीं है पानी की। और पानी ये तालाब, ये देखो ये भी टूटा है यहाँ पे नाला, ये पहले से ही नाला टूटा हुआ है। यहाँ टूटा हुआ है, आगे शमशान घाट है। शमशान घाट में जो हिंदू भाई है उनका अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम होता है, वहाँ पे 2-3 फुट का पहले ही पानी भरा हुआ है। और जब तक ये आगे कोई निकासी का कोई समाधान न करे, तब तक इसको स्थगित किया जाए और लाइन बिछाने का कार्य, क्योंकि पहले आ गया जो पानी जा रहा है इस नाले का, पहले किसानों के खेतों में जा रहा है, उनकी सारी फसलें बर्बाद हो गई। पहले से ही सबके खेतों में पानी भरा हुआ है, क्योंकि इस पर पानी जो है बहुत ज्यादा है। इस नाले के ऊपर इतना पानी है कि किसी से मिले हो जी? इस संबंध में हम जिला, ये जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के हैं, हम उनके पास गए, उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर घनश्याम सिंह
की अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब। 97 वर्ष की उम्र में हुआ घनश्याम सिंह का निधन। राज के सम्मान के साथ हुई विदाई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर घनश्याम सिंह को बृहस्पतिवार को राज के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान तिरंगे में लिपटे उनके शव की विदाई अंतिम यात्रा में जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वैब को। और सिटी वैब आप सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील कर रहा है, कोरोना से बचें, अपने परिवार को बचाएं, सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के साथ साथ मास्क का प्रयोग अवश्य करें।